चलिए भिवंडी की ओर रुख करते हैं। भिवंडी से महाराष्ट्र परिवहन महामंडल की बस की असुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए भिवंडी सर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष सोहेल गुड्डू के नेतृत्व में एक डेलीगेशन निकाला गया। हम आपको बता दें कि डेलीगेशन भिवंडी के एसटी स्टैंड यानी कि महाराष्ट्र परिवहन महामंडल के बस के जो मैनेजमेंट के अधिकारी हैं गणेश राठौर को एक मेमोरेंडम दिया गया और जो नागरिकों की असुविधाएं इस एसटी स्टैंड से हो रही है उसकी मांग की है। वहीं पर हम आपको बता दें कि इस डेलीगेशन में पहुंचे भिवंडी शहर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सोहेब गुड्डू, पूर्व आमदार रशीद ताहिर, एनसीसी के सदस्य वकार मोमिन, महिला अध्यक्ष रेहना अंसारी, पर्यावरण विभाग के भिवंडी शहर अध्यक्ष तुफैल फारूकी, परवेज खान, जक्की मोमिन, ताज खान, जुबैर अंसारी सहित कांग्रेस पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मेमोरेंडम देने पहुंचे। हम आपको दिल्ली से दर्शा रहे भिवंडी के एसटी स्टैंड की, जहां पर बस की असुविधाओं से जो नागरिकों को समस्या की सामना करना पड़ रहा है उन सारी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए भिवंडी शहर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सोहेब गुड्डू के नेतृत्व में एक डेलीगेशन भिवंडी के एसटी स्टैंड पर पहुंचा। ये देखते हैं इसी से जुड़ी इस खबर को। आज सबसे बड़ी जो मुद्दा है भिवंडी शहर का बस को लेके, कि जो कि सुबह के टाइम जो स्टूडेंट के स्टूडेंट का है, सर्विस वालों का है, जो बसेस कम होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। खासकर यहाँ से जो बसेस थाना जाती है, थाने से जो बाद में शाम में बसेस भिवंडी आती है, टाइम पे ना लगने होने की वजह से लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बसेस कम होने की वजह से दो बस के लोगों को एक ही बस में घुस के जाना पड़ रहा है। किराया बैठने वालों का उतना ही है, खड़े होने वालों का भी उतना ही है, तो ये नाइंसाफ़ी क्यों है? इसलिए बसेस बढ़ाई जाए थाना से भिवंडी, भिवंडी से थाना, मुंबई सेंट्रल के लिए भी बसेस, जो बॉम्बे जो मेन बसेस जाती है वो भी कम है बस है, उसके लिए भी बसेस की हमारी मांगनी है बस बढ़ाई जाए। तीसरा, पूरे वेस्टर्न साइड में बोरीवली के लिए खाली एक ही बस है, अब इतना बड़ा पट्टा एक बस से कैसे कवर होगा? और वो भी टाइम पे लगती नहीं है बस, तो इसके लिए हम लोगों ने सब पहले से ये मांगनी की है कि बोरीवली थाना मुंबई सेंट्रल बसेस की बढ़ोतरी होना चाहिए। और उसके बाद जो बस स्टॉप के तरफ से लोगों को मालूम होनी चाहिए, जो ये बताना चाहिए भाई कौन से उसके ऊपर स्टॉप कौन से उस पर बसेस लगने वाली है, कौन से नंबर पे, यहाँ कोई मालूम नहीं मिलती है। यहाँ पे बस कंडक्टरों की बहुत ही मनमानी और दादागिरी है, नागरिकों से सही से बात नहीं करते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि बसेस की हालत आप देखिए इतनी ख़राब है, बसेस का भाड़ा बढ़ गया है लेकिन बसेस की कोई फैसिलिटी नहीं है, अंदर बैठो तो जैसे उल्टियाँ जैसी होती है। आज कोई देश के अंदर स्वच्छ अभियान का अपना वो चल रहा है, आज आप देख लीजिए बस, और यहाँ पर लाइन जो लगती है बसेस की लाइनें, वो लाइन के अंदर आप अक्सर देखिए बहुत से लोगों के पर्स मारे जाते हैं, बहुत से लोगों के मोबाइलें चोरी कर ली जाती है, और वो उसके वजह से बहुत ही नागरिकों का नुकसान हो रहा है। अभी मैं एक पुलिस स्टेशन में भी एक मांगनी कर रहा हूँ, एक पुलिस वाला खाली सीट में बैठाया गया है, चाहे रात ड्यूटी को दिन ड्यूटी, एक पुलिस वाले से पूरा बस स्टॉप कैसे हैंडल हो सकता है? यहाँ पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए, साथ ही साथ में चारों तरफ से सीसी कैमरा लगना चाहिए, ताकि सीसी कैमरा लगने के बाद ये मालूम पड़े कि भाई चोरी किसने किया है, तो वो चोरियाँ यहाँ पर कम हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को लेकर है। आज हमारी महिलाओं को 2005 में हमारी राणा मैडम ने बताया कि सरकार ने पास किया था महिलाओं के लिए, लेकिन बसेस अलग होना चाहिए ताकि महिला को आराम से बैठे जा सके, लेकिन आज महिलाओं को भी वही धक्के में जाना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है। जो स्टूडेंट बच्चियाँ होती है, अभी समझ लो गलती से कोई लड़का का पीछे खड़ा है, अगर रास्ता ख़राब होने के खड्डे की वजह से भी अगर थोड़ा धक्का लग गया तो ऐसा लगता है छेड़छानी हो गई, जबरदस्ती लॉ रखा हो जाता है। बहुत से बच्चे हो सकता है कि छेड़छानी करते भी हों, हम किसी को वो नहीं कर सकते सफाई, ऐसे बहुत से समस्या जो है ये समस्या सुधारा होना चाहिए। देखा जाए तो आज मेरा पहला ही दिन है, और उनकी जो मांगे कांग्रेस पार्टी की, जो अभी स्वच्छता के बारे में या बस लाइन में नहीं लग रही या लेडीज़ लोगों के लिए सेपरेट बस होना, तो ये जितने भी कोई मांगे जो मांगे मेरे अधिकार क्षेत्र में आएंगे उसका मैं पूरा सकारात्मक विचार करके ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिवली डिसीजन लेके मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा, कि हमारे जो हायर अथॉरिटी है उनके लिए उनकी तरफ मैं फॉरवर्ड करूँगा जो उनके अंडर आएगा। जो अभी भीड़ जो बढ़ रही तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बस अवेलेबल कर देना ये मेरी जिम्मेदारी होगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो रही है, अभी साहब ने बोला कि जैसे कि बोरीवली की तरफ एक ही बस जा रही है, वैसे अभी मैं
देखूंगा कि बोरीवली की तरफ एक ही बस जा रही है या ज़्यादा जा रही है, अगर नहीं होंगी तो उसके लिए पॉजिटिवली देखता है मतलब क्या एक्चुअल प्रॉब्लम। अभी ऐसा सुपरवाइजर या अदर एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके डिसीजन लेना वो भी उचित नहीं होगा, पहले मुझे देखना चाहिए फिजिकली क्या है कुछ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।